गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर थर्ड ईयर ज्योग्राफी के बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के अपवाह तंत्र में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने हिमालयी जो अपवाह तंत्र है, हिमालय की जो नदियां हैं जिसमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र के अपवाह तंत्र को अब तक हमने देखा। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देखेंगे, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखने से पहले हम पिछली क्लास में हमने जो भारत की फिजियोग्राफी पढ़ी थी, भारत के जो भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में चर्चा करी थी। प्रायद्वीपीय भारत हमारा उल्टा त्रिभुज आकार में फैला हुआ है, जो आपका उत्तरी महान मैदान है नदियों द्वारा निर्मित उसके नीचे, और इसके जो उच्चावच है यहाँ पर और इसका जो ढाल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ की नदियों का अपवाह क्रम हमको देखने को मिलता है। जो प्रायद्वीपीय भारत के जो विभिन्न रेंजेस हैं, अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को हमने देखा है पिछली क्लासों में, प्रायद्वीपीय पठार जब हमने पढ़ा था तब, तो ये जो उच्चावच है यहाँ का, ये जो रेंजेस हैं और ये जो घाट है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ का जो नदियां हैं उनका अपवाह क्रम है। मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो सेंट्रल आपके भारत की नदियां हैं विशेष करके उत्तरी मैदान के नीचे और प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर की तरफ जो सतपुड़ा और विंध्यन क्रम की जो नदियां हैं वो अधिकतर आपका अरब सागर के अंतर्गत गिरती है। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो सबसे पहली नदी है वो है नर्मदा। देखिए, जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, आपकी ये सतपुड़ा रेंजेस हैं, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को अलग करती हैं ये जो दोनों रेंजेस हैं वो, और जो सतपुड़ा रेंज है उसकी एंडिंग होती है यहाँ पर, सतपुड़ा रेंजेस की एंडिंग होती है उत्तर, जो आपका मध्य पश्चिमी सॉरी पूर्व भाग है, और यहाँ जो मेघालय हिल्स है इन दोनों के सेंटर पे अमरकंटक जो चोटी है वहां से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। विशेष करके हम इसको मेघालय हिल्स की चोटी मानते हैं अमरकंटक को। जब हमने सतपुड़ा रेंजेस पढ़ी थी उसमें सतपुड़ा रेंजेस में मेघालय हिल्स हमने देखा था, तो जो मेघालय हिल्स है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, और आपका यहाँ से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। एक तरीके से तीन स्टेट्स का बॉर्डर यहाँ लगता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, पर अमरकंटक वाकई में जो है वो आपका मध्य प्रदेश में ये रेंज गिनी जाती है, जो चोटी है वो गिनी जाती है। यहाँ से इसका उद्गम है, ये जो नदी है वो आपका अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? ये विंध्यन और सतपुड़ा जो रेंजेस हैं उनके मध्य, नेचुरली डिप्रेस्ड लैंड है विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में, यहाँ से ये नदी निकलती है। आप देखिए ऊपर की तरफ यहाँ विंध्यन क्रम है, ऊपर की तरफ आपका विंध्यन रेंजेस है और नीचे की तरफ आपका जो है वो सतपुड़ा रेंज है, और इन दोनों के मध्य ये नेचुरली डिप्रेस यानी कि नेचुरली आपका नीचे वाला भाग है, क्योंकि दोनों दोनों साइडों में इस नदी के ऊपर उठे हुए रेंजेस हैं, उनकी दोनों घाटियों के मध्य, मतलब ये जो आपकी जो नर्मदा नदी बहती है वो एक तरह से ब्रंश घाटी में बहती है विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य जो डिप्रेस लैंड है उसके बीच में। तो यहाँ से अमरकंटक से निकलती हुई ये आपका अधिकतर मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है एक तरीके से ये नदी, और इसके पश्चात यहाँ पर ये आकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्लियरली बनाती है यहाँ तक, और यहाँ इस यहाँ पर ये नदी तीन जंक्शन बनाती है बॉर्डर का, इधर से गुजरात, इधर से मध्य प्रदेश और यहाँ से आपका महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य ये नेचुरली 30 से 40 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है ये नदी, और उसके पश्चात आपकी आगे बढ़ती है यहाँ पर, और
फाइनली ये महाराष्ट्र और उसके उसके पश्चात जो बॉर्डर बनाती है वो महाराष्ट्र और गुजरात का बनाती है। देखिए कंपटीशन एग्जाम में आता है कि जो नर्मदा नदी है वो किन किन राज्यों के मध्य बॉर्डर बनाती है, तो मध्य प्रदेश, नीचे से आपका महाराष्ट्र और उत्तर से आपका गुजरात। यहाँ पर वापस ये गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है लगभग 40 से 50 किलोमीटर, और उसके बाद फाइनली ये गुजरात में पहुंचती है, और गुजरात में भरूच शहर से होकर ये गुजर के आपकी खंबात की काड़ी में ये नदी है वो गिरती है। हमने जब आपके पश्चिम और पूर्वी घाट पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिम घाट की जो नदियां हैं वो आपका पश्चिम तट की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदियां ज्वार नदमुख या एश्चुरी का निर्माण है वो करती है। तो इस तरीके से आपका एंटायर जो ये नर्मदा रिवर है वो गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कही जाती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये नदी बहुत ही पूजनीय है। ये नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है उनका अंकेरेश्वर, उज्जैन, महाबलेश्वरम, कई सारे यहाँ पर शिव मंदिर है इस नदी के किनारे किनारे, और भारत की महत्वपूर्ण पूजनीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण नदी है। हालांकि महाराष्ट्र में ये 30 से 40 किलोमीटर ही बहती है, इसके बाद ये सीधी गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से जो पहली नदी थी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत हम इसको नहीं कह सकते हैं, हम नर्मदा को सेंट्रल भारत की नदी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नदी का फ्लो है वो पूरा मध्य भारत के अंतर्गत आता है। दूसरी जो नदी है वो है ताप्ती। देखिए जो ताप्ती नदी है वो आपकी जिस तरीके से नर्मदा नदी बह रही है उसी क्रम में, उसी के पैरेलल ये सतपुरा के नीचे की तरफ, सतपुड़ा का जो ढाल है वो दक्षिण की तरफ है, तो वहां से ये बहती है। ये जो नदी निकलती है वो दक्षिणी मध्य प्रदेश, ये हम मध्य प्रदेश स्टेट में ही है, मध्य प्रदेश स्टेट में विंध्यन क्रम भी गुजरता है और सतपुड़ा क्रम भी गुजरता है। जो सतपुड़ा क्रम है मध्य प्रदेश में वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को अलग करता है, ये बॉर्डर बनाता है, नेचुरल बॉर्डर बनाता है सतपुड़ा क्रम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य। तो जो ताप्ती नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है आपका मुल्ताजी। ये मुल्ताजी जो स्थल है वो दक्षिणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। यहाँ से ये नदी ईस्ट सेंट्रल पार्ट जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के इस सेंट्रल पार्ट से गुजरती हुई मध्य में ये गुजरती है। यहाँ पर ये नदी जो है वो कर्व बनाती है, और कर्व बनाने के साथ ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है, नेचुरल बॉर्डर बनाती है ये। और कम से कम ये जो बॉर्डर है महाराष्ट्र और इसके बीच वो 50 से 60 किलोमीटर के मध्य का ये बॉर्डर है। उसके बाद ये नदी वापस एक बार मध्य प्रदेश में होकर पुनः ये सीधी ये नदी फिर आती है आपकी महाराष्ट्र के अंदर 50 से 60, महाराष्ट्र में ये आती है और महाराष्ट्र में लगभग 200 से 300 किलोमीटर ये लंबी बहती है, और इसके पश्चात पुनः ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य बॉर्डर बनाती है ये नदी। गुजरात और बॉर्डर के मध्य, गुजरात के मध्य 50 से 40 किलोमीटर बॉर्डर बनाती है गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य, और फाइनली ये प्रवेश करती है गुजरात स्टेट में, और गुजरात के सूरत सिटी से होकर ये नदी आखिर में आपके गिरती है हजारी हाजीरा मेंगरू के पास, अरब सागर में ये जो नदी है वो गिर जाती है। तो देखिए जो नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं वो इन्हीं एक ही रेंजेस से, जो सतपुड़ा रेंज है आपकी उसी के आसपास से दोनों नदियां निकलती हैं, दोनों का क्रम एक जैसा है, दोनों फाइनली आपकी गुजरात स्टेट में पहुंचती हैं, दोनों नदियां जो हैं वो आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं जब ये आगे पीछे मुड़ती हैं तब बनाती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके सेंट्रल इंडिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपकी पश्चिम में बहती है। ये दोनों ऐसा मानते हैं इन नदियों को कि ये अपने जो दिशा है उसकी उल्टी दिशा में ये नदियां हैं वो बहती हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है सेंट्रल इंडिया की वो है आपकी माही नदी। माही नदी आप सभी जानते हैं हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा से होके माही नदी गुजरती है। ये मध्य प्रदेश में जो विंध्यन रेंजेस हैं आपकी मध्य प्रदेश की उसमें आपकी मऊ की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और राजस्थान के
बागड़ प्रदेश में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य ये बॉर्डर बनाती है, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का। और उसके पश्चात उत्तर की तरफ प्रवाहित होके ये नदी जो है वो बांसवाड़ा के खांडू ग्राम के पास यू टर्न लेती है ये नदी वापस, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जो जिले हैं उसकी सीमा बनाती हुई ये वापस ये नदी आपका गुजरात राज्य में फाइनली प्रवेश करती है, और वापस आपकी खंबात की खाड़ी में ये नदी जो है वो गिर जाती है। तो माही नदी तीसरी महत्वपूर्ण नदी है आपके इस क्रम की। जो चौथी नदी है वो है आपकी साबरमती। देखिए जो साबरमती है वो हमारे जो राजस्थान की जो अरावली रेंजेस है उन अरावली रेंजेस में नाग पहाड़ियां हैं अजमेर के पास, वहां से ये नदी निकलती है। और वहां से ये नदी निकलने के पश्चात आपकी दक्षिण पश्चिम में बहती हुई आपकी ये नदी गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, और गुजरात के अहमदाबाद शहर के मध्य से होकर ये साबरमती नदी गुजरती है और अंत में गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए यहाँ हमने चार नदियां देखी। ये चारों नदियां जो है नर्मदा है, इसके बाद आपकी ताप्ती है, माही है और साबरमती है। ये चारों नदियां हमारे फाइनली जिस स्टेट से होके गुजरती है वो है गुजरात। तो आप देखिए जो गुजरात स्टेट है उसको यहाँ चार नदियां एक साथ मैदान के रूप में मैदान बनाती हुई मिल रही है। ये सभी नदियां अपने साथ अपरदित पदार्थ लाती हैं और मैदान का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ है, वो इसी कारण से है कि यहाँ चार नदियां आकर मिल रही हैं एक साथ, जिसके कारण ये जो पूरा लैंड है वो फर्टाइल लैंड यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब जो नदी है वो है हमारी हम अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। अभी तक हमने जो बात करी थी वो सेंट्रल भारत की करी थी, मध्य भारत की करी थी। अब हम जिन नदियों की बात करेंगे वो ये पूरी आपकी प्रायद्वीपीय नदियां यहाँ आएगी, जिसमें पहली नदी ये आपके वेस्टर्न घाट है, ये आपके ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। हमने घाटों को पिछली क्लास में हम इनको पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे जो सबसे पहली नदी आती है इस क्रम में वो है आपकी महानदी। महानदी आप सभी ने नाम सुना है, छोटी क्लासों में आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हो। ये छत्तीसगढ़ जो है उसके रायपुर जिले के सिंहवा नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? ये पूरा आपका छत्तीसगढ़ स्टेट है। ये देखिए ये पूरा छत्तीसगढ़ स्टेट है। छत्तीसगढ़ स्टेट में सेंट्रल ईस्ट में जो आपका रायपुर जिला है उस रायपुर जिले के सिहावा नामक स्थान से ये नदी निकलती है, जो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। देखिए ये जो नदी है वो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, फिर थोड़ा सा यू टर्न लेती है और रायगढ़ के पास ये जो नदी है वो यू टर्न लेती है, और उसके बाद बिहार और सॉरी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का ये नदी बॉर्डर बनाती है। कम से कम 30 से 35 किलोमीटर ये बॉर्डर बना के ये फाइनली प्रवेश करती है ये नदी उड़ीसा में। उड़ीसा में संबलपुर के पास इस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे आप सभी जानते हैं, जो कि उड़ीसा के संबलपुर जो जिला है वहां पर बना हुआ है। उसके पश्चात ये जो नदी है वो आगे बढ़ती है संबलपुर के पश्चात, और संबलपुर के पश्चात ये जो नदी है वो वापस आपका यू टर्न लेके पूर्णतः ईस्ट में गुजरती है। ईस्ट में बहने के पहले ये जो है वो आपका जो ईस्टर्न घाट है इसको क्रॉस करती है। यहाँ नदी क्या कर रही है? ईस्टर्न घाट को क्रॉस कर रही है। ये पूरा आपका ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है। यहाँ ये नदी ईस्ट जो घाट है उसको क्रॉस करने के पश्चात ये नदी पहुंचती है उड़ीसा के कटक शहर में, और उड़ीसा के कटक शहर में पहुंचने के बाद ये नदी कई सारी टिब्यूट्रीज में बढ़ जाती है, और टिब्यूट्रीज में बढ़ने के साथ साथ ये निर्माण करती है महानदी डेल्टा का, ये नदी निर्माण करती है। तो देखिए ये नदी भी अपने उद्गम स्थल से उल्टी दिशा में बह के वापस आपकी पूर्व दिशा में आती है। मतलब पहले इसका जो प्रवाह है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, फिर आपका ईस्ट डायरेक्शन में होता है, फिर इसका प्रवाह ईस्ट साउथ में हो जाता है, और फाइनली ये कटक शहर के पास डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये बात करी हमने प्रायद्वीपीय भारत की, जो पहली नदी है वो महानदी, जो छत्तीसगढ़ में सिवहा से
निकलती है। नेक्स्ट जो नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र का नासिक जिला है, उस नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक जो स्थान है, यहाँ से पश्चिम घाट से ये नदी निकलती है जो लगभग अरब सागर के पास है। देखिए यहाँ से देखा जाए तो अरब सागर बिल्कुल यहाँ पास पड़ता है, पर नदी आपके इस प्रवाह, इस क्रम में नहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? वेस्ट से निकल के पूरी ईस्ट में बह रही है, क्योंकि जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है, इसलिए सारी नदियां यहाँ से निकलकर पूर्व की तरफ जाती है। तो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और पश्चिम घाट से निकलती हुई ये साउथ ईस्ट में बहती है पहले तो, और साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट में पूरा महाराष्ट्र में बहती हुई ये नदी आती है आपके तेलंगाना के बॉर्डर पर, और तेलंगाना और महाराष्ट्र के मध्य ये नदी बॉर्डर बनाती है, और जहां से फिर ये नदी वापस ईस्ट डायरेक्शन में, कहां से देखिए यहां से निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकल के महाराष्ट्र में बहती हुई ये नदी यहाँ पर तेलंगाना और आपका महाराष्ट्र का बॉर्डर बनाती है। इसके बाद ये नदी बसर के पास आकर लगभग 50-60 किलोमीटर ये नदी बॉर्डर बनाती है दोनों के मध्य, और बसर के पास आकर ये जो नदी है वो इसका डायरेक्शन है वो पूर्णतः तेलंगाना में ईस्ट की तरफ हो जाता है। देखिए यहाँ पूरा ये तेलंगाना में ईस्ट की तरफ बहती है, उसके पश्चात ये नदी वापस आपका महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाती है, लगभग 25 किलोमीटर का ये बॉर्डर बनाती है यहाँ पर ये बॉर्डर बनाती है लगभग 25 किलोमीटर, कहाँ पर? महाराष्ट्र के साथ। ये जो पूरा स्टेट है आपका ये महाराष्ट्र है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका महाराष्ट्र है। तो तेलंगाना और एक बार यहाँ बॉर्डर बनाती है इस तरफ, फिर दूसरी बार ये बॉर्डर बनाती है यहाँ, 25-30 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ बनाने के बाद वापस ये नदी बॉर्डर बनाती है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मध्य। ठीक है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मध्य ये लगभग आपकी वापस 25 किलोमीटर बहती है, और फिर साउथ में एकदम से यू टर्न लेती है यहाँ पर ये यू टर्न लेती है साउथ में, यहाँ बॉर्डर बनाती है छत्तीसगढ़ के साथ, यहाँ बॉर्डर बनाती है महाराष्ट्र के साथ, और वापस यहाँ यू टर्न लिया इस नदी ने, साउथ से यू टर्न लेके ये ईस्ट में आती है और प्रवेश करती है ये आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर यू टर्न जहाँ ये करती है वहां ये टर्न लेती है आंध्र प्रदेश में, फिर ये बॉर्डर बनाती है आंध्र प्रदेश के साथ, और उसके पश्चात ये नदी राजमुंद्री जो शहर है आपका आंध्र प्रदेश का वहां आती है, और राजमुंद्री शहर के पास ये नदी जो है वो आकर पुनः निर्माण करती है, जिस तरीके से यहाँ महानदी कटक पर डेल्टा का निर्माण करती है, यहाँ ये नदी कई सारे ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है राजमुंद्री के पास, और आपका गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री शहर के पास। यहाँ पर जिस तरीके से आपका सुंदरबन का डेल्टा है मैंग्रोव ट्रीज का, उसी तरीके से यहाँ जो फॉरेस्ट है उसको कोरिंगा मैंग्रोव कहा जाता है। यहाँ जहाँ डेल्टा बना हुआ है यहाँ कोरिंगा मैंग्रोव है, ये याद रखिएगा। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर इसी जो मैंग्रोव के वन है उनमें, जिसको कहा जाता है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो नदी आपकी जैसे ही राजमुंद्री में आकर इसने डेल्टा बनाया, यहाँ आपका डेल्टा है, तो इस नदी के जो आपके उत्तर की तरफ जो जिले पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में उनको ईस्ट गोदावरी के जिले कहा जाता है, और जो पश्चिम की तरफ जो जिले हैं उनको वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है वो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। तो देखिए ये नदी आपके महाराष्ट्र से उद्गम करती है और उसके बाद बॉर्डर बनाती है किन किन स्टेट्स का, एक तो महाराष्ट्र तेलंगाना के साथ, महाराष्ट्र तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के साथ, और बाद में बनाती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ। तो दो मुख्य रूप से राज्यों में ये बहती है, महाराष्ट्र तेलंगाना और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश।
छत्तीसगढ़ के साथ ये सिर्फ सीमा बनाती है, इसमें बहती नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो चौथी नदी है वो है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी आपका वेस्टर्न घाट है। इस यहाँ से जहाँ से कृष्णा नदी उद्गमित होती है, यहाँ से मात्र जो आपका अरेबियन सी है वो 70 किलोमीटर की दूरी पर ही अवस्थित है। ये पश्चिम घाट में आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम नामक स्थान से इस नदी की उत्पत्ति होती है। ये पहले आपकी साउथ डायरेक्शन में बहती है। कृष्णा नदी का जो बहाव है वो महाराष्ट्र में काफी कम है। ये जैसे महाराष्ट्र में साउथ डायरेक्शन में बह के ये पहुंचती है कर्नाटक के बॉर्डर पर। ये देखिए ये आपका कर्नाटक का बॉर्डर है, ठीक है। कर्नाटक के बॉर्डर पर आने के पश्चात ये जो नदी है वो आपकी 50 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है और कर्नाटक का बेलगाम जिला है, उस बेलगाम जिले के पास मंगावती नामक गांव है, यहाँ पर यह प्रवेश करती है 50 किलोमीटर का बॉर्डर बनाने के पास। और पूर्णतः उसके पश्चात इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ से ईस्ट हो जाता है और ईस्ट दिशा में ये पूर्णतः कर्नाटक में बहती है। और उसके पश्चात इसका जो बॉर्डर बनता है वो तेलंगाना के साथ बनता है। तेलंगाना में ये 30 से 40 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है यहाँ पर। और इसके पश्चात ये पूर्णतः आपकी कहाँ बहती है, तेलंगाना में बहती है। तेलंगाना में बहने के पश्चात ये आपकी आंध्र प्रदेश में एंटर होती है। उसके पहले आंध्र प्रदेश में एंटर होने से पहले ये जो आपका पूर्वी घाट है उसके अक्रॉस चलती है, यहाँ पर ये पूर्वी घाट को क्रॉस करती है, उसके अक्रॉस चलती है। और यहीं पर आप देखिए यहीं पर आपका नल्ला मलाई पहाड़ियां हैं। ये जो है आपके नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं। हमने जब अलग अलग रेंजेस देखी थी, आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्ना मलाई की पहाड़ियां, तो उसी में एक पहाड़ी आती है आपकी नल्ला मलाई की, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। और उसके पश्चात ये जो नदी है वो आपकी एंटर करती है वापस आपका ईस्ट डायरेक्शन में। बहने के पश्चात ये जो नदी है उसका जो डायरेक्शन हो जाता है वो नॉर्थ की तरफ हो जाता है। ये नदी वापस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। लगभग 200 से 300 किलोमीटर ये नदी बॉर्डर बनाती है और जो पूर्वी घाट है उसके अक्रॉस बहती है। और उसके पश्चात ये जो नदी है वो आपकी आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है कृष्णा जिले में। कृष्णा यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में ये जहाँ नदी प्रवेश कर रही है उसका नाम है कृष्णा जिला। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के नाम से इस जिले का नाम पड़ा है जहाँ पर ये नदी वापस इस डायरेक्शन में बढ़ती है। देखिए यहाँ ये साउथ डायरेक्शन में थी, फिर इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट हो जाता है, फिर ये वापस नॉर्थ में बहती है और फिर ये वापस ईस्टर्न डायरेक्शन में कृष्णा जिले में आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का जो सिटी है उसको क्रॉस करके उसके उस सिटी से निकल कर ये नदी अंत में जो आपका देव सीमा जो डेल्टाई क्षेत्र है इसमें जाकर ये नदी है वो गिरती है। तो यहाँ पर भी ये नदी जो है वो आपका डेल्टा का निर्माण है वो करती है। देखिए आपका जो ये पूर्वी घाट है वो सारा, हमने जब पूर्वी घाट की विशेषता देखी थी तब देखा था कि जो पूर्वी घाट है वो जगह जगह पर कट फट गया है। किसके कारण? इन नदियों के द्वारा। ये जो आपकी महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी, ये तीनों नदियां जो आपके पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ आती हैं, तब ये नदियां हैं वो इस पूर्वी घाट को क्रॉस करती हैं। क्रॉस करते समय ये नदियां हैं वो इस पूर्वी घाट को इसने अपर्दित किया है जगह जगह पे। गोदावरी ने इसको यहाँ अपर्दित किया है, महानदी ने इसको यहाँ अपर्दित किया है और कृष्णा नदी ने इसको यहाँ अपर्दित किया है। इसीलिए ये पूर्वी जो घाट है वो समानांतर एक जैसा फैला हुआ नहीं है, जगह जगह है पर ये नदी के कारण अपर्दित हो चुका है, कट फट गया है। और ये नदियां इसीलिए डेल्टा बना रही है कि काफी बड़े हिस्से को ये काट के अपने साथ अपर्दित पदार्थ लाती है और उस अपर्दित पदार्थ को लाके ये तट जो आपके पूर्वी तट है वहां पर ये बिछा देती है, जिसके कारण यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो तीन बड़े डेल्टा क्षेत्र है आपके, दामोदर आपका गोदावरी का डेल्टा और तीसरा है आपका कृष्णा नदी का डेल्टा।